नमस्कार हमारे खाऊ दोस्तों। तो दोस्तों आप तैयार हैं एक मजेदार और स्वादिष्ट खाने के सफर पर चलने के लिए? तो दोस्तों आज मैं मुंबई शहर में हूँ, मेरे प्यारे शहर में, और मैं हूँ गोरेगांव ईस्ट में, और मैं आया हूँ सुखा सुखी रेस्टोरेंट में। अब इसे ना रेस्टोरेंट खाना मतलब कहना मुझे ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पर जो फील है, जो इस रेस्टोरेंट का एम्बियंस है, इतना घर जैसा है ना, इतना होमली है कि आपको यहाँ आकर लगेगा ही नहीं कि आप आपके घर से बाहर आए, क्योंकि इनकी सर्विस प्लस इनका जो खाना है, ये ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन घरगुती जेवण है। घरगुती मतलब आपके घर जैसा खाना, आपको ऐसे लगेगा कि आपकी दादी अम्मा ने या आपकी नानी ने या आपकी मम्मी ने खाना बनाया है। तो कमाल का एम्बियंस, कमाल का एटमोसफियर, छोटी सी कोजी सी प्यारी सी जगह है, और अंदर चलते हैं और खाएंगे सुक्का सुक्की का घरगुती जेवण। आइए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आया हूँ सुक्का सुक्की की रसोई में, और मैं आपको मिलाता हूँ सत्य मांजरेकर से। नमस्कार खाओ दोस्तों, कैसे हो आप? अरे वाह सत्या, दोस्तों महेश जी सर का बेटा है, महेश मांजरेकर का, और ये उन्हीं की तरह मल्टी टैलेंटेड है, बहुत कुछ किया है इसने और कर रहा है, लेकिन लाइक फिल्म्स में की है इसने, एक्टिंग भी की है, वेब सीरीज भी की है, और कुकिंग का बहुत शौकीन है। तो सत्या हमारे लिए आज क्या बना रहे हो? मैं बना रहा हूँ कुलचा की पीठी। उल्टा ची पीठी? हाँ। अरे वाह क्या बात है। तो दिस इज अ वेजिटेरियन डिश? यस। ओके एंड कैन बी ईटन एनी टाइम? यस। अरे वाह, तो देख लिया दोस्तों, आओ मोहम्मद जरा दोस्तों को दिखाओ क्या बन रहा है इधर। तो मतलब तुम्हें खाने बनाने का बहुत शौक है? यस। और खिलाने का भी? यस। ओके तो सत्या मैं ना बाहर जाकर बैठता हूँ, इतना खुशबू आ रही है ना मुझे इस रसोई में खाने की, प्लीज खाना जल्दी खिलाओ, बहुत भूख लग रही है हमें। ओके और मेरे साथ बैठ के खाना पड़ेगा? यस सर। पक्का? पक्का। चलो सी यू। तो खाओ दोस्तों कहते हैं ना बेटा बाप से बढ़कर, और ये इसको देखो ऐसे खाने की दावत लगा दी है सत्या ने हमारे सामने, कि महेश सर भी सोच रहे होंगे कि कुछ ज्यादा तो नहीं खिला रहा है। क्यों सत्या, खाने का बहुत शौक है? है बहुत शौक। और खिलाने का भी है? यस। क्या बात है, वो तो पता ही चल रहा है तुम्हारा डिशेज का चॉइस देखकर, इट इज अ रियल फीस्ट। और हर कुछ यहाँ पर ऐसा जो फ्रेग्रेंस जो अरोमा आ रहा है ना, ऐसे लग रहा है कि मैं सत्या के घर पे हूँ और उसके घर पर ही वो खाना बनाए। तो महेश जी तो मैं जानता हूँ खाने के बहुत शौकीन है, शुरू से बहुत साल पहले उनके साथ काम भी किया था हमने, वो तुझे पता है हमें सेट पे बोलते थे कि वड़ा पाव खाका खाना चाहिए। हाँ। उस टाइम पे आज से अराउंड 30 इयर्स बैक की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा। तो उस समय से उन्हें खाने का शौक था, तो जब मुझे पता चला कि उन्होंने ये रेस्टोरेंट शुरू किया है, तो आज तो अनफॉर्चुनेटली वो हमारे साथ इधर है नहीं, बिजी है, तो कोई बात नहीं, यू आर देयर एंड यू आर अ रेप्लिका एग्जैक्टली, ये बिल्कुल उनकी तरह दिखता है जब वो यंग थे, जब मैंने उनके साथ काम किया था। Yes. राइट। तो अब सत्या बताएगा कि सत्या ने हमारे सामने क्या क्या चीजें लाकर रखी हैं। सत्या व्हाट शुड वी स्टार्ट विद, किससे शुरू करें? लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉन्स फ्राई। प्रॉन्स फ्राई, ओके। तो दोस्तों दीज आर दोस मालवणी स्टाइल प्रॉन्स? यस। ओके, दैट का मतलब ये कि मालवणी मसाला उनका फेवरेट है। क्या बात है, घर पे बना दोगे मसाला भी, होममेड? यस। ओके चलो तुम भी लो। Yes, मैं अकेला थोड़ी खाऊंगा। तो दोस्तों आई एम स्टार्टिंग विद दीज मालवानी प्रॉन्स, ये क्रम फ्राइड प्रॉन्स है, रवा लगा हुआ है ऊपर, और एक टिपिकल मालवानी मसाला होता है जो इसके अंदर है। तो फर्स्ट बाइट में पता चल गया है, बोलते ना ट्रेलर अच्छा है तो पिक्चर कैसी होगी, तो पिक्चर भी बाकी है, लेकिन वाह आई डोंट फील लाइक लिविंग द ट्रेलर आल्सो। सुपर्ब, मसाला सो गुड, एंड जितना स्पाइसी होना चाहिए ना उतना है। कोई कोई रेस्टोरेंट में क्या करते हैं ना सत्या, कि लोगों को खुश करना है तो यार तीखा कम बनाओ, पसंद नहीं आएगा लोगों को, लोग मतलब बोलेंगे इनका खाना बहुत तीखा होता है, लेकिन यहाँ मुझे एक ही बाइट देख के पता चल गया कि तुमने स्पाइसेस में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है ना, ये थोड़ा कम स्पाइस लेवल है। क्या कम है ये? ये कम अच्छा है। अच्छा नहीं कम है। ज्यादा किस डिश में होगा पता? ज्यादा तो इसमें मालवानी में नहीं, इसमें रहेगा। क्रैब करी में, इट लुक्स ओनली एकदम रेड, ब्राइट रेड एंड नाइस, एंड नाउ दिस इज योर सुरमई फ्राई। यस। ओके तो हाफ ऑफ करेंगे ना यार? यस करते हैं। हां ये मतलब डैड के लिए ये कम है, उन्होंने डैड का इससे भी अच्छा स्पाइसी रहता है। ओहो मतलब डैड का स्पाइस ईटिंग कैपेसिटी काफी है, बहुत ज्यादा है ना। चलो ओके डन विद दिस। ए मच्छी तो खाएंगे तो टूटे फूटे की तो सही ना यार, है ना, और शर्मा शर्मा के नहीं खाने का, तेरा ही होटल है। तो दिस इज योर सुरमई
अगेन रवा फ्राइड ना? यस ओके। मैंने मुंबई में ना कई जगह खाया है मालवानी खाना, सुरमे फ्राई, बट दिस विल कम इजीली अमंग्स द टॉप थ्री। इतना टेस्टी है, जबरदस्त। और द बेस्ट थिंग इज अगेन द होममेड टच, आई ना कांट जस्ट गेट ओवर द टेस्ट ऑफ द फ्राइड प्रॉन्स एंड द सुरमे फ्राई। एंड मछली का मैंने हमेशा देखा है सत्या, फिश जितनी फ्रेश हो उतनी ज्यादा स्वाद बनती है, yes. है ना? हम लोग उसको एक दो दिन भी रखते हैं फ्रिज में तो वो टेस्ट नहीं आता। तो मुझे तो लगता है तू अभी अभी खरीद के लाया, तूने अभी अभी बना दिया फिश, ऐसा है क्या? ऐसे ही है। कैसा है? ऐसे ही। सच्ची बता कैसा है? डैड हमेशा रोज लाइक नॉट संडेस को यूजुअली ऐसे कभी कभी हाँ डैड खुद जाते हैं ससुन डॉग। ससुन डॉग तक जाते हैं? यस। अच्छा, उनको तो पसंद ही है। हाँ हाँ, फिश उनका सबसे फेवरेट है। ओके, तो उनको वो खुद ही देखना, खुद ही फ्रेश है कि नहीं, हम लोगों को खुद मतलब खुद अपने हाथ से लेकर आते हैं। यस, ये बात बहुत अच्छी है। ये एक्चुअली सभी नॉन वेजिटेरियंस को करना चाहिए। पता जैसे मुझे अभी भी आदत है कि मैं मटन खुद जाता हूँ शॉप पे लेने के लिए, जबकि अभी आजकल इतनी होम डिलीवरी वगैरह चालू हो गया है, लेकिन अपने हिसाब से पीसेस करवाना और अपनी पसंद के पीसेस लेके आना मटन के चिकन के, उससे मजा भी बहुत आता है। एक वो संडे वाली फील आती है ना, यार संडे है चलो शॉपिंग के लिए जाते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, दैट्स व्हाई द रिजल्ट इज सो गुड। सही है। तो सत्या मछली मस्त हो गई, शर्मा के मत खा। अभी अपन आते हैं, मुझे वो चीज बहुत बुला रही है, ब्लैक चिकन। आओ, और ये मैंने सुना है कि आपके यहाँ का सबसे फेमस आइटम है, yes. है ना? ये एंड हाँ बोलना, ये सबसे स्पेशल डिश है क्योंकि ये दादी बनाती, दादी की रेसिपी है। दादी, ओहो सॉरी, मैं अंडा नहीं खाऊंगा, अंडा खा लूंगा तो पेट भर जाएगा, तो चिकन कैसे खाऊंगा? पर एक्चुअली नो, इट इज गुड, टेस्ट गुड, तो आने दो। ये रेसिपी मैंने एक जगह का नाम सुना है, वारली और वर्दी खाना, जहाँ पर वो कोकोनट को और अनियन को ब्लैक रोस्ट करते हैं, उसमें बाकी स्पाइसेस डाल के ये ग्रेवी भी बनाई जाती है, yes. है ना? एंड दैट इज अ वेरी टीडियस प्रोसेस, बहुत टाइम लगता है उस चीज में, है ना? लाइक कोकोनट को रोस्ट करना, कांदे को रोस्ट करना, और उसका जो रोस्टिंग का जो लेवल है वो भी एकदम प्रॉपर होना चाहिए, yes. नहीं तो चांस हो जाता है कभी कुछ चीज कड़वी हो जाती है, कभी ओवर कुक हो जाती है, वो नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? Yes. आने दो भाई, सत्या खाएंगे आज हमारे साथ। चलो, now we'll have this with some, what do you have? Rice भाकरी है, जवारी भाकरी एंड चपाती है, क्या लोगे? तुम्हारी चॉइस, आप पहले कर लेंगे। दोस्तों आपको ये नहीं लग रहा कि मैं ये होटल चलाता हूँ और सत्या मेरा गेस्ट है? ये होती है होमली फीलिंग, मतलब इधर आके किसी को ये नहीं लगेगा कि आप किसी रेस्टोरेंट में आए, ऐसा लगेगा अपना ही घर है, मिल बांट के मस्ती से खाओ। Yes. So, चलो मिल बांट के खाते हैं आधी आधी भाकरी। Yes. Okay? राइस भाकरी, कांडला की भाकरी, सॉफ्ट सॉफ्ट नरम नरम, विद दिस अमेजिंग लुकिंग ब्लैक चिकन, स्मेलिंग सो ग्रेट। ओ हो, आपको भाकरी लोनी के साथ चाहिए? नहीं नहीं, लोनी नहीं चाहिए, हैवीनेस हो जाएगी ना, मेरे को बहुत कुछ खाना है यार, समझा कर। वही टेस्ट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, एग्जैक्टली द सेम। यार आदत बिगाड़ दोगे, आज दादी खुश होगी। हाँ दादी बिल्कुल खुश होंगी, एंड थैंक्स टू दादी फॉर लीविंग हर सच गुड रेसिपीज विद द यू नो जनरेशंस अहेड। नाउ डैड, नाउ यू एंड देन योर किड्स। हैं, गर्लफ्रेंड है कोई? नहीं अभी तक नहीं। अरे बाप रे, तो टाइम है मतलब अभी टाइम। चलो, बट डेफिनेटली यू शेयर द रेसिपीज विद योर चिल्ड्रन, ताकि हम लोग जैसे जो खाने के शौकीन लोग हैं ना, yes. वो लोग आते रहे और एंजॉय करते रहे। क्या काला चिकन है यार, उसका नाम तो सुंदर चिकन होना चाहिए। काला चिकन का है, इतने प्यारे से चिकन का नाम है, सुंदर चिकन मेरे भाई, सुंदर चिकन। दोस्तों अब इस सुंदर चिकन से हम आते हैं मालवानी चिकन पर, एंड आई बिलीव डैड जो है महेश सर, वो कोंकण से बिलोंग करते हैं, मतलब फैमिली कोंकण से है। महाराष्ट्र में मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपने एक ही स्टेट में कितने फ्लेवर्स हैं, कोल्हापुरी, पुनेरी, देन साउजी, देन वरधी, देन मुंबईया तो भाई सब जगह जगत जाहिर, कॉस्मोपॉलिटन फूड, मतलब इन वन स्टेट सो मेनी फ्लेवर्स, वी आर सो लकी है, है कि नहीं? द लॉट लिस्ट इज द फ्लेवर ऑफ मालवन, आज के तो देख भाकरी नहीं ले रहा, इट इज नॉट स्पाइसी, एज इट इज, एज इट शुड बी,
जैसा होना चाहिए। मालवानी चिकन अगेन फ्रेंड्स, वेरी नाइस, प्रॉपरली कुक, टेंडर, लाइट ग्रेवी, मतलब राइस के साथ भी मजा आएगा, ये तांडला की भाकरी के साथ भी मजा आएगा, विद राइस भाकरी, चपाती के साथ भी मजा आएगा, एनीथिंग। तो दोस्तों अब ये इतना खूबसूरत क्रैब, इतना लाल लाल मजेदार मेरे सामने पड़ा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना मुझे इसका खाने का अच्छा तरीका नहीं पता। जब मैं खाता हूँ ना इसे, मेरे पूरे कपड़े, आसपास वालों के भी कपड़े और टेबल सब गंदी हो जाती है, पूरे छींटे पड़ जाते हैं। तो सत्या थोड़ा एक्सपर्ट है क्रैब खिलाने में, तो ही हेल्प मी एंड टीच मी कि क्रैब कैसे खाए जाते। चलो आज मेरा लेसन है, ट्यूशन है मेरी। चलो आप ये ले सकते हो, नांगी बोलते हैं ना इसको, ये नांगी है, ये नांगी है ना, करे मैं लूं एक, यस लो, ये इसको पहले मैं तेरे जैसे देखता हूं ना तेरे को, जैसे तू करेगा वैसे मैं करूंगा। ये मैंने लिया, ये तोड़ा, अरे टूट गया, और अंदर में से जूस ये जो है वाइट मीट, अच्छा इसका की इसका इसका की इसका दोनों दोनों का, चलो अंदर से जूस रहते हैं वैसे। अरे यार क्या स्वीट क्रैब है, और जो ग्रेवी ऐसी है ना, थोड़ी थोड़ी तिक्की, और स्वीटनेस ऑफ द क्रैब के साथ मिलके ना जो कॉम्बो बना है, टू गुड, वाह, मैं क्यों नहीं खाता था आज तक ये। अब ये इसका अभी तोड़ने का ऐसे, ये अभी ऐसे तोड़ सकते हो, अच्छा यू टू बाइट इट, ओके, यस, अरे आई एम अ वेरी फास्ट लर्नर, जल्दी जल्दी सीख रहा हूँ मैं तो, टोटल टोटल, हाँ हाँ, काय केकड़े आए, मजा आला, मजा, बस हम दोनों के मुंह में लगा हुआ ना केकड़े की करी इसी में तो खाने का मजा है। हाँ 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 हाँ, अब लेट्स कम टू सम फिश, ओके, कम टू क्या फिश, सब शुरू से तो फिश ही खा रहे हैं, फिश की दुकान लगी है, ये बाजू में ही है, इसको खाते हैं, ये है सुरमई करी, अरे एक स्पून मैं लेता हूँ यहाँ से, सब कुछ मुझे टेस्ट करना पड़ेगा क्या यार, तो अभी मैं ये फिश करी ट्राई कर रहा हूँ, वो मन तक मालवणी सुपर ग्रेवी स्मूथ ऑरेंजी फिंगर लिकिंग गुड मजेदार और सेसन डॉक की फ्रेश फिश, थैंक यू मिस्टर महेश मांजरेकर ऐसी मछली खिलाने के लिए, मजा आ गया। हाँ आप जाते रहिए सेसन डॉक, हम यहाँ आके खाते रहेंगे। मस्त रहे अच्छी, हाँ इंद्रायणी राइस विद दिस, क्या बोल दो, हैं आज से डाल लेता हूं इंद्रायणी राइस, हम लोग स्पेशली सोर्स करते हैं फार्म से, अच्छा मतलब वो जो पुणे और उसके आसपास मिलती है जगह, वहां जो फार्मर्स होते हैं जो लोग वहां से लेके आते हैं, वहां से भोर से, अरे वाह करेक्ट, तभी तो इनमें ये बात है स्टिकीनेस, देख रहे हैं सर ये जब इंद्रायणी राइस किसी के घर पे बनते हैं ना तो कहा जाता है कि पूरा मोहल्ला इसकी खुशबू लेता है, ये सॉरी इतने खुशबूदार चावल है, एक बार उन्होंने खाया तो डेड है, आम पन्ना की एक सिप ले ली, टेस्ट चेंज, लेट्स गो टू द नेक्स्ट डिश, ओके, अभी ये दोस्तों हलवा टिकल मेरे सामने, ये रेसिपी पहले मुझे देख के लग रहा था कि काला चिकन जो है उसकी ग्रेवी और उसकी ग्रेवी का कलर बिल्कुल सिमिलर है, अभी ये खा के देखना पड़ेगा कि टेस्ट कितना सिमिलर है कि नहीं है, ओके, और ये रेसिपीज ज़्यादा करके महेश सर की मदर की यानी कि सत्या के दादी की हैं, घर की रेसिपीज़ हैं, तो तभी इतनी मज़ेदार हैं, ओहो वाह फिश अगेन, क्या बात है, ग्रेवी का मैं तो मज़ा है जो, व्हाट अ चेंज, मतलब कोई कह ही नहीं सकता कि ये दो एक जैसी दिखने वाली ग्रेवीज टेस्ट में इतनी अलग और इतनी स्वादिष्ट हैं। मिला और इतने प्यार से तूने खाना खिला रहा है, I'm lucky introducing Satya Manjrekar, launching debut on YouTube. तो next what Satya? अभी non-veg बहुत खाए हम लोग ने, अभी veg भी खा लेते हैं। ठीक है चलो शुरू करता हूँ। मेथी की सब्जी। Okay. लेकिन एक snack पहले। क्या? आप ये try करो। ये कोकम शरबत। थोड़ा drink में थोड़ा चीज़।
अच्छा, ड्रिंक में चेंज और मुके टेस्ट में भी चेंज, मतलब ये ट्रांजिशन है फ्रॉम नॉन वेज टू वेज। आ जाओ। आई जस्ट लव दीज ट्रेडिशनल ड्रिंक्स ना, मोर देन दोस एरिएटेड ड्रिंक्स जो आती हैं अलग अलग। मुझे अपनी देसी खाना, देसी पीना, बाकी सब देसी नहीं है, नहीं। खाली ये वाले देसी शरबत, समझा ना, कुछ और मत सोचना देसी, ये वाला देसी। अभी मेथी की भाजी, वो ये तो एकदम होम मेड वेजिटेबल है, तो लाइट कुछ नहीं पड़ा इसके अंदर, मतलब मेथी पड़ी है एंड आई थिंक नारियल पड़ा है इसमें थोड़ा सा, बट बहुत कम मसालों और चीज़ों के साथ बनाई गई सब्जी है ये। इसको टेस्ट करता हूँ ऐसे ही, ये तो ऐसे ही खाने को मजा आएगा यार। चपाती के साथ चपाती ऐसे भी खा सकते हैं ना, ऐसे तो रियल टेस्ट आएगा ना यार। मेथी तू कभी इतनी स्वाद नहीं थी यार, अभी तुझे भी खाना पड़ेगा बार बार। वाह ना, नेचुरल टेस्ट है, नो आर्टिफिशियल मसाला, ऑयल का तो नामो निशान नजर नहीं आ रहा, कैसे बनाया यार, वाह वाह। सच्ची में इतना सारा नॉनवेज खाया और एक मेथी ने सबको दिया टक्कर बराबर की, है कि नहीं। टेस्ट चेंज। नेक्स्ट आइटम पिट्टी, ये तो तू बना रहा था। यस सत्या, दिस इज योर डिश। इसके लिए बाटी लूं कि ऐसी डाल दूं प्लेट में कि राइस के साथ खाऊं? राइस के साथ। ओके, दैट इज अ गुड आइडिया, तो बाटी की जरूरत नहीं है। और एक इसमें से अच्छा एक ये है, क्या आप पाए, पहली बार मैंने डिश बनाया। अरे वाह, आज तो बहुत फर्स्ट हो रहे हैं। हां है ना, फर्स्ट टाइम पापा बनाते थे। हां, ये भी अभी कुकिंग सीख रहा है ना, क्योंकि डैड तो बहुत अच्छे कुक है ही, घर गुती जेवन बनाने में एक्सपर्ट। यस, बेटा बाप के नक्शे कदम पर चल रहा है। लेकिन तूने अच्छी चीज सुनी है, कुकिंग। यस, योर डिश सिंपल है, मतलब यू कैन से वरण भात के बदले पिट्टी भात खा लो, अ नाइस चेंज फ्रॉम द यूजुअल वरण जो हम लोग खाते हैं तुअर की दाल का। yes. तो बदले ये खा लो, बहुत लाइट है, अगेन बोथ द वेजिटेरियन डिशेस, बहुत ही रिफ्रेशिंग, बहुत ही फ्रेश, बहुत ही यम। टेस्ट चेंज। नेक्स्ट आइटम, नाउ दिस यू हैव टू शेयर विद मी। ओके, ये प्रॉन्स, अरे ये तो अभी तक गर्म है रे, क्या मस्त है सच्ची में, कंसिस्टेंसी। मैं डालता हूँ ना इसको, अरे बेटा अपना समझ गया ये कितना खाएगा, इसलिए मैं इसको इतना ही दूंगा। और चाहिए? और चाहिए तो। अब है ना लाइन पे। मैं एक्चुअली प्रॉन्स तू इसी का वेट कर रहा था लगता है, इसलिए बाकी सब नहीं खा रहा था। अच्छा वो, अच्छा वो शर्मा या नहीं, अभी ये सब तेरे सामने ही रखता हूँ, ये होगा तो और ले लेगा। मेरे तो सब कुछ बहुत खाया, तेरा फेवरेट है प्रॉन्स तो, अभी क्यों है वो पता चल जाएगा ना खा के। वाओ, दिस इज द रेड चिली और दिस इज कोकम, आई थिंक दैट कोकम है, कोकम कोकम है। वाओ, तो मुझे अभी से थोड़ा टेस्ट का मालूम पड़ गया अंदाजा, अरे गर्म है यार अभी तक, गर्म है सच्ची, ये तो मैजिक हो गया। बाकी सब खाना थोड़ा थोड़ा ठंडा हो गया बट ये गर्म रहा है। हाँ अभी आइए प्रॉन्स, इसको मैं ढूंढ रहा था, अच्छे खाने में मजा आएगा, क्या बोलता है। इसका बेस्ट पार्ट क्या है, प्रॉन्स बुलाओ बहुत जगह बहुत ड्राई ड्राई होता है, एकदम सूखा रहता है, वो मजा नहीं आता खाने का। इसमें थोड़ा जूसी वो है टच, थोड़ा सा वेटिश है एंड टेस्ट तो अगेन नाइस, मालवानी मसाला एंड एवरीथिंग हैज बीन पुट एंड प्रॉन, स्मॉल प्रॉन्स बट स्वीट एंड फ्रेश प्रॉन्स है ना, अरे वाह सही है, मजेदार। हाँ हाँ हाँ, मजा आ गया दोस्तों, अब पियेंगे सोल कड़ी जो इस सारे खाने को बिठा देगी आराम से करके। घड़ी, घड़ी मराठी में बोलते हैं फोल्ड करना, तो खाना एकदम सेट हो जाएगा है ना। हाँ हाँ, खाना सेट होएगा लेकिन पिक्चर अभी तो बाकी है। पिक्चर बाकी है मतलब? अभी डेजर्ट्स भी आएंगे। ओ तेरी, मैं तो सोचा था सोल कड़ी पी के घर जाके सो जाओ आराम से, मीठा बाकी है, मीठा बाकी है, खा लेंगे, आने दो। सत्या आज तू मानेगा नहीं, तू चाहता है कि मैं यही सो जाऊं, हैं? ऊपर भी इधर भी कहीं जगह है तो पलक लगवा दे, इतना खाना खिला दिया, अब ये तीन तीन टाइप के डेजर्ट्स रख दिए मेरे सामने, ये मुझे लगता है गुलकंद, गुलकंद है, गुलकंद फ्लेवर्ड पान तो आपने खाया होगा दोस्तों, वाह ट्रैफिक का कितनी मधुर आवाज है, तो आप लोग एक गुलकंद फ्लेवर आइसक्रीम है, ये आइसक्रीम, वो जो पान वाले होते हैं ना स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, उनके पास जाओ उनको बोलो एक ठंडा मीठा पान खिला दे, है ना, उसमें सुपारी मत डालना जो दांतों में लगती है, ऐसा पान खिला कि मुंह में जाते घुल जाए, ये आइसक्रीम बिल्कुल वही पान है, एग्जैक्टली वही फ्लेवर आ रहा है,
वही ठंडक है, वही मिठास है और वही स्वाद है। तू क्यों नहीं खा रहा? मेरी नजर जा रही है उसके ऊपर, खा लूंगा मैं ये भी। मैं आपके लिए वेट कर रहा हूँ। मेरी क्यों वेट कर रहा है? अरे रुको, मेरी वेट कर रहा है तो ये रहा मेरा चम्मच और ये रही तेरी आइसक्रीम। एंड नाउ दिस इज मोदक फ्लेवर्ड आइसक्रीम। मोदक तो आप सबने बहुत खाए होंगे, गणपति बाबा जब भी आते हैं तो खूब मोदक बनते हैं, खूब खाए जाते हैं, प्रकार प्रकार के मोदक खाए जाते हैं। ये अब मोदक की एक आइसक्रीम आ गई है। जी हाँ, उपकड़ी मोदक, क्या बात है। इसके अंदर वो कोकोनट भी पड़ा हुआ है, वो जैगरी भी है, गुड़ जो स्टफिंग होती है उपकड़ी मोदक के अंदर। लेकिन एक ही कमी है, इसके ऊपर हम गर्म घी नहीं डालते। आइसक्रीम है ना यार, लेकिन है मजेदार, यूनिक फ्लेवर्स। और देख रहा है, ले ले ना, मैं देखे नजर लगाएगा। खा ले, मस्त है कि नहीं? मुझे बहुत पसंद आई होगी ना ऐसी। तो तीखा कम खाता, मीठा ज्यादा खाता है, ऐसा स्वीट टूथ या ओके, पता ही लगता है सच स्वीट बॉय। हाँ, दिस इज बनाना, बनाना शीरा। एक काम कर, हाँ रुक गया, आइसक्रीम तो हमने दोनों ट्राई किया, चल ली, आपके लिए सरप्राइज है। क्या? तीसरा एक आइसक्रीम है। अरे एक मिनट, एक और आइसक्रीम? हाँ, वो कौन सा आइसक्रीम है भाई? ये है सीताफल आइसक्रीम। नौ सीताफल आइसक्रीम? यस, सीताफल आइसक्रीम तो बहुत जगह खाई है, देखता हूँ क्या चेंज है। सीताफल के पीस भी है क्या इसके अंदर? मैंने कहा सीताफल बहुत जगह खाई हुई है, बट इसकी एक बात मुझे अच्छी लगी है, सीताफल तो है ही इसके अंदर, स्वीटनेस इज परफेक्ट, मीठा बिल्कुल ज्यादा नहीं है। यस, वेरी नाइस। और कोई सरप्राइज तो नहीं है? नहीं, तो आई विल गिव यू अ सरप्राइज, मैं इसी टेबल पे सो जाऊंगा, देन यू विल बी सरप्राइज कि ये मैंने क्या कर दिया इस आदमी के साथ। यही सो गया, फिर शाम को फिर उठूंगा, बोलूंगा सत्या खाना खिलाना यार, मेरा ब्लैक चिकन लाना फिर से। सत्या बहुत मजा आया यार, खाना तो बहुत बढ़िया, बट दोस्तों खाने के साथ साथ जो खाने में जो कंपनी होती है ना, जो साथ में बैठकर खाती है, उसका पर बहुत डिपेंड करता है खाने का फ्लेवर। अगर आप खाना आपके सामने बहुत बढ़िया लगा दिया जाए लेकिन आपकी कंपनी अच्छी ना हो ना, तो पूरा खाने का स्वाद बेकार हो जाता है। तो आज मेरी कंपनी बहुत अच्छी थी, थैंक यू सत्या, एंड थैंक यू फॉर द एक्सीलेंट एक्सीलेंट फूड, कमाल का खाना खिलाया। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग यही खत्म करते हैं, तब तक आप सब अबे बोलना। हाँ बोलूं? अरे बोल। हाँ, खाइए पीजिए ऐश कीजिए और धन्यवाद धन्यवाद।